तो ऑल राइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडम्स ब्लॉग हिंदी में। और अभी हो रहे हैं शाम के 4। गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। और इस वक्त अपन जा रहे हैं रिजॉर्ट। थोड़े से जल्दीबाजी हो रही है क्योंकि प्लान थोड़ा सा लेट बन गया। जब मेरे को 3:30 बजे पता चला कि ऐसा कुछ प्लान है जो कि थोड़ा सा लेट है क्योंकि रिजॉर्ट शाम को 5 बजे तक ही खुला रहता है। 5:30 अभी देखते हैं कि पहुंच पाते हैं कि नहीं। 4:30 तो हो गया है, एक राउंड भी अपना लग गया ना तो आपका व्लॉग बन जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, बने रहिए एडम्स व्लॉग हिंदी के साथ। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ये रहा रिजॉर्ट। तो ये जो व्यू देख रहे हो ये है एंट्री गेट। साइड में ये बना हुआ है कुछ इस तरीके का, सरना एथनिक रिजॉर्ट छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड स्वदेश दर्शन योजना तदा। ओपी हिंदी ओपी। और साइड है पार्किंग और ये है एंट्री गेट कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले आपको यह देखने को मिलता है बॉडीगार्ड। और ये जो कार है ना अंदर आ रही है, यहाँ पे एक्चुअली बुकिंग भी होता है। मतलब जो लोग रहते हैं सिर्फ वो लोग के लिए पार्किंग यहाँ अंदर में दी गई है। बाकी जो है ना, ये दिख रहा है स्कूटी आपको, बाकी लोग हम जैसे लोग ऐसे घूमने आते हैं तो उनके लिए बाहर। और ये सारे यहाँ पे वुड सारे लकड़ी के काम किए गए हैं। यहाँ पे बीच बीच में आप लोग को ये लोग मिलते रहेंगे। एक वहाँ थे एक यहाँ थे। अरे दोस्त बजाओ। और ये देखो ये तीसरा यहाँ पे एक और। ये वैसे क्या अच्छा वो सिंबल पकड़ा है। चम चम पायल बजे रे गुरी आले तो नदी किनारे। किनका कैमरा बेस्ट है? इनका देख लो, सबका देखो। नहीं नहीं, जिसका कैमरा बेस्ट रहता है जिसका कैमरा बेस्ट रहता है उसी का कैमरा जाता है फोटो खिंचाने के लिए। एयरपोर्ट कहाँ गया? चलो वो छोड़ कर आगे क्या। ठीक निकाल देना फटाफट फुट। इधर से चलते हैं ना मम्मी मम्मी इधर से चलते हैं। ये है वो सुंदर है ना, ये नाव का ये कल्चर अपना आदिवासी। उसमें नाव में डांस कर रही है, ये एक्टिंग है, डांस कर रही है। बढ़िया है बढ़िया। मछली का भी इधर बना दिया। मछली तो नाव, ये पानी है तो पानी है तो मछली है। बहुत बढ़िया बनाया है एक्चुअली में। इसके बाद ये क्या है? तुरी और नगाड़ा। और ये तबला है। ओ और वो ढोलक है। ढोलक तबला है ये मोर का। अच्छा रैबिट भी बना दिया गया। अच्छा कितना बढ़िया पिक्चर जो बनाया है ना, बारीकी बहुत बारीकी से बना दिया। सिंबल मांदर झांझ वो झांझ है झांझ हो जाए एक्चुअली। ये जावा फूल देखिए, जावा फूल ये जावा फूल है। मकई का है ये, मकई का है एक्चुअली। कितना सुंदर आर्ट है। और ये जो हाँ कर्मा। और ये क्यों बांधे हैं इसको एक्चुअली? उपवास करते हैं। नहीं नहीं वो जो उपवास करते हैं उसका हस्ती है, रस्सी बांधे बांध के रखते हैं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये तो पक्का कल्चर है हम लोग साइलो नाच। इधर चिड़िया मैंने जंगल का पूरा दृश्य दिखाया है। प्रॉपर डिटेल देखिए गाइस, कैसे इतना आर्ट वर्क किया गया है बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सही तरीके से। टू बी ऑनेस्ट आंखों देखा बहुत अच्छा लग रहा है। हर छोटी छोटी जगह डिटेल दी गई है। अभी कुल इधर भी देखो, इधर भी कितना मस्त बनाया गया। यहाँ खिड़की में भी आर्ट वर्क कर दिया गया है। चाहे तो बंद कर सकते थे बट कितना बढ़िया आर्ट वर्क किया गया है। एक लाइक तो बनता है आई गेस। और अंदर देखो आप लोग, अंदर देखो इतना नहीं है, ऊपर देखो क्या डिजाइन दिया गया है। ऊपर ये पूरा चटाई का डिजाइन, चटाई का डिजाइन दिया गया है कंप्लीट। वो जो बांस करा था उसको बीन गया, बीना गया। हाँ इतना बढ़िया आर्ट वर्क किया गया, देख लिया गाइस।
ऑसम है, आपको यहाँ आना जरूर चाहिए, मैं तो कहता हूँ आना जरूर चाहिए। ठीक है, और बनाया है, बढ़िया है। फेस्टिवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया गया है। इस तरफ तो देखो, इस साइड रहने के लिए होता होगा, सेलिब्रेशन के लिए ना बुक होता है। प्रोग्राम तो यहाँ पार्टी दे सकते हैं, कंप्लीट बुक होता है रिजॉर्ट रहने के लिए है उधर काफी। ये तो बस एक ही पोर्शन है, जस्ट वन पोर्शन, बाकी पोर्शन उधर है, आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे को आज ही रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ का व्लॉग बनाया ही नहीं हूँ। ये लाल तीन का है, जो असली जो ढीबरी है, या उसके अंदर बल्ब डाल दिया गया है, डाल दिया था। जलता भी है वो, लेकिन मिट्टी तेल से जलता है, सेड़ता रहता है भीतर। ये उभरे हुए हैं सब, ये बहुत अच्छा लगा, ये देखो उभरे हुए हैं। दीवार में सिर्फ पेंट नहीं किया गया, प्रॉपर उभारा गया है, बहुत सुंदर है यार। फैमिली के साथ आपको आने के लिए परफेक्ट। ये कौन लोग हैं? ये आदिम मानव है जो शिकार करते थे ना, बेसिक आदिवासी आदमी है वो। सबसे शुरू शिकार उसी से करा है, उसके बाद ये सब कल्चर आया, तीर धनुष वाला पहले वैसा था, उसके बाद ये तीर धनुष कल्चर आया। सांप चढ़ रहा है, सांप चिड़िया के पास, शिकार किया जा रहा है। मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है, टू बी हॉनेस्ट, सबसे बढ़िया चीज ये पूरा कंप्लीट बैठने के लिए बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप, और कितना मस्त कर्व दिया गया यार, टू बी ऑनेस्ट बहुत मस्त फोटो निकल करके आता है। और ये रहा, ये स्टेज जैसा कुछ बनाया गया है, आप लोग मतलब अगर बुक करते हो, कुछ प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे आप लोग का एंटरटेनमेंट के लिए फुल इंतज़ाम किया गया है। और लैंप्स भी है, लैम्प पोस्ट छोटे छोटे, बहुत ही ऐसा तो मैं रहा नहीं हूँ, बट वो कभी रहूँगा ऐसा सोचता हूँ, ये एक दो रात रुक के देखूँ कुछ क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो भी एक्सपीरियंस अलग होगा। यहाँ मज़े करने के बाद आप यहाँ सीधा, और यहाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखानी बहुत ही ज़रूरी है। ये रहा सबसे पहला, इनका ही आर्ट है कि ये कुछ इस तरीके का लुक। ये घर है, यहाँ दो कमरा है, यहाँ आप रह सकते हो और यहाँ पे भी आप रह सकते हो बेशक। और पहले के ज़माने में अगर आप गांव गए होंगे तो ये वाला डिज़ाइन आप ज़रूर पहचानते होंगे, कमेंट करके बताना इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं। और इधर मैस है, खाना मिलता है ये वाले बिल्डिंग में। और यहाँ पे व्यू, एज यू कैन सी, बहुत ही शानदार व्यू है। ये पाथवे है, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ पे बॉनफायर भी किया जाता है चेयर लगा के। और आपको हर घर में अलग अलग डिज़ाइन मिलेगा, हर घर में ये एक कमरा है, ठीक है, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, बाथरूम है, बेडरूम है बस, और एक हॉल होगा आई गेस, और ये काफ़ी सिंपल सा घर है। लैम्प मेरे को खास कर बहुत अच्छा लगा, ये देखो लैंप पोस्ट जल गए छोटे छोटे, वाह यार गाइस देखो सब जगह का लैंप पोस्ट जल चुका है। और ये छोटी से ब्रिज बनाने की कोशिश की गई है। आप समझ आ रहा होगा, ब्रिज बनाने की कोशिश की गई है। और वाह यार आज का दिन बहुत बढ़िया है। फिर यहाँ पे ऊपर आपने नोटिस किया क्या कि खपरा डाला गया है, खपरा, हालांकि ये प्रॉपर खपरा नहीं है, मतलब वाटर प्रूफिंग की गई है पहले, तो उसके बाद खपरा ऊपर से डाला गया ताकि वो लुक आए पहले का वाला। और यहाँ छोटा सा गार्डन है, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आए अपनी फैमिली के साथ। हाँ वाह मैन, एक लाइक तो बनता है।
यहाँ पे गार्डनिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसी साल यहाँ पे मतलब पिछले साल नवंबर में इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब खुला था ये, यानी पिछले 2020 में नवंबर में। यहाँ पे बीच में आपको छोटा सा ये झोप क्या बोलते हैं, बैठने के लिए भी मिल जाएगा, काफ़ी शानदार चेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे बैठने के लिए। ऐसा लग रहा है लकड़ी का बना है, थोड़ा सा सख्त है। ये सब तो थे चलो ऑर्डिनरी घर थे, ठीक है। अगर आप लग्जरी थोड़ा चाहते हैं, थोड़ा लग्जूरियस, हालांकि मैं अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, बाहर से आप खुद भी देख सकते हो कि बाहर से ऐसा है, तो अंदर से तो होगा कुछ तो अलग होगा। और ये रहा, हैव यू सीन, देखा आपने कितना लग्जरी लुक आ रहा है, हालांकि हैं लकड़ी के। वो देखो सिटी बज गई, 5:30 बज रहा है, तो यहाँ का टाइमिंग पता नहीं सुबह शायद 10 या पता नहीं, सुबह का टाइमिंग शायद नहीं है, लेकिन शाम के 5:30 बजे तक यहाँ पे आप आ सकते हो। और ऐसे स्टैचू आपको बहुत मिलेंगे, बहुत आपको दादा दादी ऐसे मिलते रहेंगे रास्ते में। और लग्जरी घर मेरे को वाकई में बहुत अच्छा लगा यहाँ। इसके अंदर, खैर इसके अंदर तो नहीं गया हूँ मैं, बाकी उन घर के अंदर मैं गया हूँ, मतलब उन घर के अंदर, उन घरों के अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं भी। और वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक हॉल है, कॉमन हॉल है, और बेडरूम है और बाथरूम है, दैट्स इट। और ये एक और फिर छोटा सा ब्रिज बनाया गया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसा नहीं कि कैमरा में है ऐसे खूबसूरत दिख रहा है, नहीं, एक्चुअली में ऐसा ही है। मेरे को यह चीज़ नज़र आई, क्या है क्या, मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ। सरना एथनिक रिजॉर्ट से जशपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की दूरी, अच्छा रानीदा यहाँ से 10 किलोमीटर है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं। फिर राम रेखा धाम, आपका साथ मेरे ऊपर बने रहे तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा, मैं हिम्मत ना हारूँगा। और यहाँ पे भी आर्टिस्टिक वॉल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया गया है, डिज़ाइन एक नंबर। और बाकी यहाँ पे प्रॉपर डिटेल दी गई है, स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत सरना एथनिक रिजॉर्ट बालाचपार जिला जशपुर, 1 नवंबर दिनांक 1 नवंबर 2020 को किया गया। ये 1 नवंबर 2020, ठीक है, 1 नवंबर 2020, ज़्यादा पुराना नहीं है। अपने फैमिली के साथ आ जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाएं, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। देखो आधा घंटा में पूरा समाप्त हो जाता है, अगर आपके पास आधा घंटा है या 45 मिनट है तो फॉर श्योर आप यहाँ आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। चैनल का नाम है एडम्स व्लॉग हिंदी, इन केस अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूँ। और यहाँ पे बस इतना ही है, फ़िलहाल इतना ही है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एडम्स व्लॉग हिंदी को याद रखना, बाय बाय।